हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में जो है हम जानेंगे किसी रेजिस्टेंस का जो कलर कोडिंग जो है कैसे दिया रहता है, और कलर कोडेड रेजिस्टेंस अगर दिया रहा है तो उसका हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इस पर जो क्वेश्चन जो है LP के CVT 2 में मुझे मिला था, और ये कई पेपर में मिला था, और कई बार जो है मुझे ये CVT 1 के प्रीवियस ईयर पेपरों में भी मुझे देखने को मिल चुका है, और ये इंटर में भी इंपॉर्टेंट है, इंटर के एग्जाम में भी आता है, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो इलेक्ट्रिशियन से तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, सिंपल तरीके से पूछा जाता है, और ये आसान भी है। अभी मैं बताऊंगा 5 मिनट के अंदर, तो आप जो है तुरंत देख देख के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर में ऐसा इसलिए क्यों बनाया गया। देखिए, जो कलर कोडिंग ये रजिस्टर होता है, एक्चुअल में उस पर रजिस्टेंस की वैल्यू लिखना पॉसिबल नहीं है, या इतना छोटा लिखा जाएगा कि वो आपको दिख भी नहीं पाएगा। तो फाइनली जो है साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि कैसे जो है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है कलर के आधार पर, रंगों के आधार पर डिफाइन कर दी जाए कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आदमी जो है आसानी से उसको निकाल ले पाए। या तो आपके पास मल्टीमीटर हो, एक पॉइंट यहाँ पे लगाइए और एक पॉइंट यहाँ पे लगाइए, और उसको डिजिटली होता है, ठीक है, वहाँ पर डिजिटल वैल्यू में बता देता है कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट तो सबके पास होगा नहीं, तो जब भी आप जाएंगे रेजिस्टेंस खरीदने तो इस तरह के कलर कोडेड रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे जिसमें अलग अलग रंग बने होते हैं, दोनों तरफ से पॉइंट रहता है, यहाँ से जो है कनेक्शन जोड़ा जाता है। लेकिन इस रंगों के आधार पर जो है कैसे हम पता कर पाएंगे कि इतने ओम का रेजिस्टेंस ये है, इस वीडियो में उसको देखेंगे। सबसे पहले जो है देखिए, कलर कोडेड जो रेजिस्टेंस होते हैं, कभी कभी जो है आप रेजिस्टेंस खरीदेंगे तो उसमें सिंपल एक कलर की प्लेट होगी, ठीक है, आता है। फिर दो कलर का भी कोडेड रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, मतलब उसमें दो ही कलर की पेंटिंग रहती है। तीन कलर का भी आता है, 4, 5, 6 इस तरह के अलग अलग कलर के आते हैं। एक कलर की अगर कोडिंग रहेगी तो उसका कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं रहती है। इसका यूज समझ लीजिए ऐसे जगहों पे किया जाता है जहाँ पे सर्किट को पूरा करना हो। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे प्लेटें होती हैं, डॉट डॉट प्लेट बनाई रहती है, ठीक है। इसमें अगर कोई सर्किट आप बनाते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगाते हैं, ठीक है, तो पता चला यहाँ पे से एक बीच में यहाँ पे सप्लाई आपने दे दिया और यहाँ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं गया, तो इसका कनेक्शन को पूरा करने के लिए एक सिंपल जो है एक डॉट वाला रेजिस्टेंस यहाँ पुट कर दिया जाता है और सर्किट पूरा हो जाता है। ये इसमें नगण्य रेजिस्टेंस, मतलब जो प्रतिरोध की मात्रा बहुत कम जो है उसमें डालता है, एकदम नगण्य के बराबर, निगलेजिबल, इसलिए इसका यूज किया जाता है। इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, सिंपल एक कलर का उसमें कोडिंग रहता है, तो उसका रेजिस्टेंस निकालना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें कम से कम 4 कलर या 5 कलर होते हैं, ठीक है, तो 4 कलर ही सबसे ज़्यादा बेसिकली पूछा जाता है। तो 4 कलर का यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग रंगों का मतलब क्या है। देखिए, सब पहले तो ये डाटा आपके पास तैयार होना चाहिए। ये डाटा क्या है, जैसे पहले ब्लैक कलर रहेगा तो उसकी डिजिट की वैल्यू होगी 0, मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 10^0। फिर उसके बाद अगर ब्राउन कलर दूसरा रहेगा तो उसकी वैल्यू डिजिट है 1 और उसका मल्टीप्लायर है 10^1। टॉलरेंस यहाँ पे 1%, 2%। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि उसमें अंतर उतना हो सकता है, प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए 1% का टॉलरेंस है, मतलब क्या है कि जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें 1% का प्लस माइनस का क्या होगा, वो वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकता है। मतलब 1% जो वैल्यू हमने मान लीजिए कहा 20 ओम, तो 20 ओम अगर लिख दिया मैंने और प्लस 1% का जो है प्लस माइनस इसमें टॉलरेंस लिख दिया, मतलब क्या है 20 ओम है लेकिन इसमें प्लस माइनस 1% का ऊपर नीचे हो सकता है, ये है टॉलरेंस का मतलब है, ठीक है। तो इसी तरह से सारे कलर का जो है कोडिंग दिया हुआ है। ये कोडिंग आप जो है यह तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा या लिख लीजिएगा, इसको याद करने का भी तरीका मैं अभी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो है 4 कलर दिए हुए हैं। सबसे जो पहला कलर होता है, सबसे पहला कलर होता है वो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू का पहला डिजिट जो है निर्धारित करता है, फर्स्ट डिजिट। दूसरा जो कलर है वो सेकेंड डिजिट को बताता है, और ये तीसरा जो कलर आपको दिखेगा वो उसके मल्टीप्लायर को बताएगा। मल्टीप्लायर यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लायर का चार्ट बना हुआ है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बताएगा। और जो चौथा कलर है, ठीक है, वो चौथा कलर जो है वो टॉलरेंस की वैल्यू को बताता है। टॉलरेंस की वैल्यू को बताएगा, मतलब कितना परसेंट का इसमें वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है उसके रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपने देखा, इसका मैं निकाल के आपको बताता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस एक्चुअल में होगा क्या। सबसे पहले देखिए, रेड कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए रेड कलर का जो है पहला डिजिट क्या है, पहला डिजिट मतलब पहला डिजिट पे हम फर्स्ट डिजिट रखेंगे, तो रेड कौन सा है, रेड जो है तीसरे नंबर पे यहाँ पे चार्ट में है, लेकिन इसकी डिजिट की जो वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि जो डिजिट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो रेड के सामने क्या है, 2, मतलब जो है पहले डिजिट हम लिखेंगे 2। दूसरा कलर क्या है, दूसरा कलर क्या है, यह है ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर का जो है वो डिजिट क्या है, वो 3, तो ये 3 हो गया। तीसरा जो कलर है वो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर मतलब इसमें क्या होगा, 23 × मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लायर है येलो कलर का, येलो कलर का जो वैल्यू है वो 4 नहीं लिखेंगे, ये 4 नहीं है, इसके मल्टीप्लायर को लिखेंगे, क्योंकि तीसरा कलर जो है मल्टीप्लायर को बताएगा, तो 10^4 हो जाएगा, 10^4।
चौथा जो टॉलरेंस है यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, लेकिन ये ब्लैक जनरली नहीं रहता है, इसमें गोल्ड और जो है सिल्वर कलर का जो है इसमें कोटिंग जनरली की जाती है। बाकी इस तरह का भी ऊपर का भी कोटिंग रहेगा तो भी आप टॉलरेंस की वैल्यू लिख देंगे, लेकिन जनरली जो है वो लोग गोल्ड और सिल्वर कलर को यहाँ पे देते हैं। तो इसको अगर मैं मान लेता हूँ सिल्वर कलर है, ठीक है, तो चांदी का जो है यहाँ पे सिल्वर, देखिए सिल्वर का टॉलरेंस वैल्यू कितना है 10, मतलब जो है ये प्लस माइनस 10% हो जाएगा, ये इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, इसका यूनिट ओम, ये हो गया इसका मान। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं, वहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी जो इसको इस चार्ट को जो है याद करने का मैं तरीका भी बताऊंगा, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं आपको। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको निकालता हूँ कैसे जो है इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए एक्चुअल में जो है कलर कोडेड रेजिस्टेंस इस तरह से दिखता है। अब देख लीजिए, ऐसे मार्केट में आपने देखा होगा जो भी कोई कई इंस्ट्रूमेंट पहले के जो रेडियो वेडियो खोलते होंगे आप, तो वहाँ पे आपको दिख जाता है, चार्जर भी अगर आप खोल के देखेंगे तो इस तरह के रेजिस्टेंस आपने देखा होगा। तो इसमें देखिए पहले जो है पहला जो कलर है मैंने क्या बताया, ये पहला डिजिट शो करेगा। तो यहाँ पर जो पहला कलर आपको दिख रहा है ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये ब्राउन कलर का दिख रहा है या बहुत डार्क रेड, लेकिन इसको ब्राउन ही बोलेंगे। तो ब्राउन कलर यहाँ पे देखिए पहले कलर से मैच भी हो रहा है, देखिए पहला कलर से मैच हो रहा है ना, तो ब्राउन कलर है तो मतलब क्या है इसकी डिजिट, ये पहला जो कलर है पहला डिजिट शो करेगा, तो इसका डिजिट आप लिख देंगे यहाँ पे एक है, तो एक हो गया, ठीक। दूसरा कलर यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ग्रीन का डिजिट क्या है, दूसरा ग्रीन, ग्रीन यहाँ पे ग्रीन का जो डिजिट है वो 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद से तीसरा जो कलर है ये मल्टीप्लायर बताएगा, यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है आपको, तो येलो कलर का मल्टीप्लायर क्या है, वो है 10^4, तो 15×10^4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे चौथा जो कलर है ये आपका टॉलरेंस बताएगा, जो प्लस माइनस में लिखा जाएगा, टॉलरेंस वो परसेंटेज में लिखेंगे। तो टॉलरेंस जो है ये गोल्ड कलर का है, ये येलो नहीं है, देखिए सुनहरे कलर का है। तो सिल्वर गोल्ड का जो है, गोल्ड यहाँ पे है लास्ट में, गोल्ड का जो टॉलरेंस वैल्यू है वो 5 है, मतलब 5%, ये हो गया ओम की वैल्यू, ये हो गया इस कलर कोडेड रेजिस्टेंस का जो है मान। प्लस माइनस 5% का मतलब ये होता है कि जो हम एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस निकाले हैं उसमें प्लस माइनस मतलब 5% ज़्यादा या कम हो सकता है ये, लेकिन इसीलिए जो है चौथे का जो है कलर कोडिंग यहाँ पे दिया जाता है। कभी कभी ये कलर कोडेड नहीं रहता है, अगर यहाँ पे चौथा कलर बिल्कुल भी नहीं है तो नन के केस में क्या है वो टॉलरेंस 20% क्या हो जाता है, प्लस माइनस 20%, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। अभी मैं जो है एक कलर कोडेड रेजिस्टेंस दूंगा, उसको आप जो है फाइंड करके कमेंट सेक्शन में आपको बताइएगा उसको। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसको याद कैसे करना है। अब इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, फ्रेश रहेगा आपके मोबाइल में, तो आप इसको याद करने में आसानी होगी। अब इसका कोडिंग बना लेते हैं कि कैसे इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखिए सबसे जो कलर हैं सभी के पहले पहले अक्षर को आप लिख लीजिए, बी का ब्लैक हो, ब्लैक का जो है बी हो गया, ब्राउन का भी बी हो गया, रेड का आर हो गया, ओ वाई, उसके बाद से जी बी वी जी, ठीक है, उसके बाद से डब्लू, वाइट का डब्लू हो गया, फिर उसके बाद से लास्ट में बचता है गोल्ड और सिल्वर, इसको छोड़िए। देखिए कहेंगे क्या, बीबी रॉय, देखिए ये एक नाम की तरह दिख रहा है, ये हो जाएगा बीबी रॉय, ठीक है। इन इन मतलब ये ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, जीबी मतलब ग्रेट ब्रिटेन, और उनकी क्या है वेरी गुड वाइफ, वी वेरी, जी फॉर गुड और डब्लू फॉर वाइफ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी फॉर हो जाएगा वेरी, जी फॉर हो गया गुड और डब्लू क्या हो गया वाइफ, बस कोडिंग होगी। उसके बाद से लोग जो है गोल्ड और सिल्वर को आसानी से याद कर लेते हैं, मतलब उनकी वाइफ हैं तो उनको सोना और चांदी ज़्यादा पसंद है, ठीक है, सोना चांदी के गहने ज़्यादा पहनती हैं, तो गोल्ड और सिल्वर मतलब सोना और चांदी कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा ये याद कर लेते हैं। अब उसके बाद से कोडिंग कैसे करते हैं, पहला जो डिजिट है 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद मल्टीप्लायर है वो 10^0 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो है 10^9 तक जाता है। गोल्ड और सिल्वर के केस में मल्टीप्लायर है 10^-1, 10^-2, उसके बाद से जो है टॉलरेंस की वैल्यू कुछ ऊपर वैल्यू दिया हुआ है 1, 2, ठीक है, तो ये सब जनरली नहीं पूछता है, मैं देखता हूँ हमेशा जो है सिल्वर और गोल्ड दिया रहता है, और या फिर नहीं दिया रहता, नन दिया रहता है तो प्लस माइनस 20% हो जाता है। बाकी इसको भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं किसके किसके सामने है, पहले और दूसरे के सामने है, बाकी जो है 0.5, 0.25 है, 0.1 है, तो इसका ज़्यादा उतना महत्व तो नहीं था क्योंकि इतना प्लस माइनस वेरिएशन कोई मायने ही नहीं रखता किसी रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे जो है एक क्लियर जो है मैंने इमेज को बड़ा करके जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस कलर कोडेड रेजिस्टेंस का जो है आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है कमेंट सेक्शन में। और बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी चाहें तो आप टेलीग्राम पर @ द स्टूडेंट स्टडी
से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी चाहें तो आप डस्ट स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं, आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।